नंबर 41 यहाँ पे हो रहा है इफ इन एन ए पी एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू पी एंड एस एम इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू पी वेयर एस आर डिनोट द सम ऑफ आर टर्म्स ऑफ द ए पी देन एस पी इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है कि एस एन का वैल्यू है एन स्क्वायर इंटू पी और एस एम का वैल्यू है एम स्क्वायर इंटू पी और जहाँ एस आर डिनोट कर रहा है सम ऑफ आर टर्म ऑफ एन ए पी ये जो एस आर लिख दिया यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द ए पी आर के टर्म में लिख दिया और आर के टर्म में तो यहाँ पे कोई सम दिया भी नहीं है तो यहाँ पे तो इसका कोई सेंस निकलता ही नहीं है तो यहाँ पे बोला देन एस पी इज इक्वल टू भाट। तो देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे एस एन का वैल्यू दे रखा है एन स्क्वायर इंटू पी और एक दे रखा था एस एम इसका वैल्यू दे रखा है एम स्क्वायर इंटू पी तो हमसे बोला एस पी इज इक्वल टू यानी एस पी इक्वल टू भाट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है जैसे एस एन इक्वल टू दे रखा है एन स्क्वायर इंटू पी तो इसी से चलिए तो यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर पी। अब यहाँ पे आप क्या करिए यहाँ पे पहले देखिए एन से तो एन कट जाएगा इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में सबको कैलकुलेट कर लीजिए तो हो जाएगा टू ए प्लस डी को मल्टीप्लाई करिए तो एन डी माइनस डी और यहाँ पे दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसके साथ तो यहाँ पे हो जाएगा टू एन पी। इतना बात तो आ रहा है समझ में। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे अंदर में डी को मल्टीप्लाई किए हैं एन माइनस वन से तो यहाँ पे हो गया एन डी और माइनस डी और टू ए का टू ए है और ये इस दो को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो ये हो गया टू एन पी। इसको अब मान लीजिए इक्वेशन वन। इसके बाद यहाँ पे आइए एस एम देखिए जैसे एस एन था तो एन बाई टू आ रहा था तो एस एम है तो एम बाई टू आएगा एन की जगह एम ये हो जाएगा एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन जहाँ जहाँ एन वहाँ वहाँ आ जाएगा एम क्योंकि यहाँ पे एम है और इंटू डी इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू पी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एम से एम कटेगा तो यहाँ भी वही काम करिए टू ए प्लस डी को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एम डी माइनस डी और इस दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसके साथ तो ये हो जाएगा टू एम पी और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप इक्वेशन वन माइनस टू करिए इक्वेशन वन माइनस टू तो इक्वेशन वन है टू ए प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू टू एन पी। इक्वेशन दो को नोट करिए ये है टू ए प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू टू एम पी। देखिए यहाँ पे हम माइनस करें तो साइन बदलेगा ना ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस वाला प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस ये तो कट गया और माइनस प्लस ये भी कट जाएगा तो यहाँ पे बच गया एन डी माइनस एम डी ये एन डी ऊपर वाला एम डी नीचे वाला और इधर बच जाएगा टू एन पी माइनस टू एम पी। यहाँ तक पहले आप ध्यान से देखिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे d कॉमन ले लेंगे तो d कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस एम और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको 2p कॉमन दिख रहा है ना तो यहाँ पे भी बचेगा n इधर बचेगा m इस तरीके से। अब n माइनस एम से n माइनस एम कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा d इक्वल टू 2p तो d का वैल्यू आ गया 2p। अब इस d के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन वन में पुट करिए या फिर आप इक्वेशन टू में पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम d इक्वल टू टू पी को इक्वेशन वन में पुट करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन वन को नोट करिए तो ये टू ए प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू टू एन पी यही दे रखा है। अब यहाँ पे पुट करिए वैल्यू तो d के जगह 2p आपको रखना है तो ये हो जाएगा टू ए प्लस यहाँ पे d के जगह 2p रखिएगा तो क्या हो जाएगा टू एन पी ऐसे ही होगा ना जैसे पहले से तो n ही था और 2p यहाँ पे आएगा तो n इंटू 2p तो टू एन पी हो जाएगा और यहाँ पे भी 2p रखिए इक्वल टू 2np। ध्यान से देखिएगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए n इंटू डी है और d की जगह 2p रखे हैं तो n इंटू 2p कितना होगा 2np हो जाएगा। अब देखिए 2np कट गया और माइनस 2p को उधर भेजिए तो हो जाएगा 2a इक्वल टू माइनस 2p उधर जाएगा तो प्लस 2p हो जाएगा दो से दो भी कट जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा p तो a का वैल्यू आ गया p और d का वैल्यू आ गया 2p
और हमसे निकालने क्या बोला था, यहाँ पे देखिए हमसे बोला था एस पी इक्वल टू भाट, पी टर्म का सम क्या होगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, हमसे बोला था एस पी इक्वल टू भाट, तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यही होगा। देखिए जब एस एन रहता था तो एन बाई टू लिखाता था और यहाँ भी एन माइनस वन लिखाता था, लेकिन पी है तो यहाँ पे पी बाई टू आ जाएगा और यहाँ भी पी माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए एस पी इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन टू, और यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, ए का वैल्यू आया पी, तो यहाँ पे आपको रखना है ए के जगह पी, तो ये हो जाएगा टू पी प्लस पी माइनस वन, और डी का वैल्यू आया टू पी, तो यहाँ पे डी के जगह पुट करिए टू पी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद हो जाएगा पी अपॉन टू इंटू, अब यहाँ पे देखिए प्लस के इधर देखिएगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, दो दो यहाँ भी और दो यहाँ भी, तो हम दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा पी और यहाँ पे बचेगा पी माइनस वन इंटू पी, इस तरीके से आ रहा ना बात समझ में। जैसे दो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ पी ही बचेगा ना, और यहाँ से दो निकलेंगे तो पी माइनस वन इंटू पी बचेगा, तो यहाँ से दो कटेगा तो ये हो जाएगा पी इंटू, यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो पी प्लस, यहाँ पे पी को मल्टीप्लाई करिए दोनों से तो पी स्क्वायर माइनस पी, इस तरीके से हो जाएगा। अब प्लस पी माइनस पी ये तो कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू पी स्क्वायर, डेट मीन्स ये आ जाएगा पी पे पावर थ्री, तो यहाँ जो पी टर्म का जो सम आएगा वो आएगा पी पे पावर थ्री। अब आप देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे हो रहा है इफ एस एन डी नोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, एस एन है जो किसी ए पी के फर्स्ट एन टर्म का सम है। इसके बाद बोला इफ एस टू एन इक्वल टू थ्री एस एन देन एस थ्री एन रेशियो एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको गिवन में दे रखा है एस टू एन इक्वल है थ्री एस एन का, यही दे रखा है ना, और हमसे पूछा एस थ्री एन रेशियो एस एन, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एस थ्री एन अपॉन एस एन, और इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है, तो यहाँ पे दे रखा है एस टू एन इक्वल टू थ्री एस एन, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा टू एन ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टू एन बाई टू, जैसे एन बाई टू होता था तो एन की जगह टू एन रहेगा, तो टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, तो एन की जगह आपको रखना टू एन, तो टू एन माइनस वन इंटू डी, अरे बस समझ में। जैसे जो फार्मूला होता था एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे एन की जगह कितना है टू एन है, तो एन की जगह आपको टू ए रख देना, तो ये हो जाएगा टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी, और इस तरफ आइए तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री इंटू, यहाँ तो एस एन का ही फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये दो से दो कट जाएगा और एन से एन भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया टू इंटू, यहाँ पे हो जाएगा टू ए प्लस, यहाँ पे डी को मल्टीप्लाई करिए तो टू एन डी माइनस डी, इधर हो जाएगा थ्री इंटू टू ए प्लस, यहाँ पे डी को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एन डी माइनस डी, इस तरीके से होगा। इसके बाद डी ये टू को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा फोर ए प्लस फोर एन डी माइनस टू डी, और इस तरफ थ्री को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा सिक्स ए प्लस थ्री एन डी माइनस थ्री डी। इसके बाद ए वाला को एक तरफ ले आइए, बाकी एन डी और डी वाला को एक तरफ कर दीजिए, तो ए वाला को इधर लाइए तो सिक्स ए है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा फोर ए माइनस सिक्स ए, और बाकी ये दोनों को उधर भेजिए, तो पहले ये था तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे थ्री एन डी और माइनस थ्री डी, ये दोनों को उधर भेजिए तो ये प्लस में है ना, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस फोर एन डी, और ये हो जाएगा प्लस टू डी, तो यहाँ पे घटाइए इसको तो हो जाएगा माइनस टू ए इक्वल टू, यहाँ पे बताइए थ्री एन डी माइनस फोर एन डी कितना आएगा घटा के माइनस एन डी, और यहाँ पे माइनस थ्री डी और प्लस टू डी कितना आएगा माइनस डी, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा इस तरफ से तो हो जाएगा एन डी प्लस डी, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो टू ए का वैल्यू आ जाएगा एन डी प्लस डी। अब इसके बाद आपको निकालना था एस थ्री एन अपॉन एस एन, तो निकालिए इसको, आपको निकालना था एस थ्री एन अपॉन एस एन, तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए एस एन वाला, तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे एन की जगह कितना थ्री एन, तो आपको रखना है थ्री एन बाई टू टू ए प्लस
थ्री एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा ही होगा ना। अपॉन और नीचे तो एस एन है तो एस एन वाला एन बाई टू होगा, तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ये दो से दो कट जाएगा और एन से एन भी कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया थ्री इंटू। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 2a का वैल्यू आप ऊपर में निकाले थे ना, यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन वन, और 2a का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो 2a का वैल्यू था nd प्लस डी। ध्यान से देखिएगा, 2a की जगह हम पुट कर दिए nd प्लस डी, कहाँ से, तो इक्वेशन वन से। और इसके बाद इस d को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा थ्री एन डी माइनस डी। और नीचे में आइए, यहाँ पे था एस थ्री एन अपॉन एस एन, और नीचे में क्या हो गया, नीचे में तो 2a है और 2a का वैल्यू यहाँ पे ही पुट करिए तो ये हो जाएगा एन डी प्लस डी, और यहाँ भी d से मल्टीप्लाई करिए दोनों में तो ये हो जाएगा एन डी माइनस डी। पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए, और इधर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, ये जो वैल्यू पुट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो इक्वेशन वन से पुट हुआ है। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एस थ्री एन अपॉन एस एन इक्वल टू, ऊपर में बताइए कितना आएगा, यहाँ पे है डी से डी तो कट जाएगा, पहले प्लस माइनस में है, यहाँ पे एन डी और थ्री एन डी तो ये हो जाएगा फोर एन डी। और नीचे में देखिए, यहाँ भी डी से डी कट जाएगा प्लस माइनस में, और एन डी प्लस एन डी तो ये हो जाएगा टू एन डी। तो यहाँ पे ऊपर में आ गया ट्वेल्व एन डी अपॉन टू एन डी, ये कटेगा और ये भी कटेगा सिक्स बार में, यानी आ जाएगा सिक्स बाई वन, यानी सिक्स सिक्स रेशियो वन या सिक्स। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं ऑप्शन में ये सिक्स है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे कह रहा है इन एन ए पी एस पी इक्वल टू क्यू एंड एस क्यू इक्वल टू पी एंड एस आर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स देन एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए वैल्यू दे रखा है सम ऑफ पी टर्म, एस क्यू का वैल्यू दे रखा है क्यू, और एस क्यू का वैल्यू दे रखा है यानी सम ऑफ क्यू टर्म, इसका वैल्यू दे रखा है पी, तो हमसे बोला एस पी प्लस क्यू इक्वल टू भार। तो यहाँ पे आप ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं 43 आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 33 एमसीक्यू का है, तो आप यहाँ पे वही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए, एपी के पी टर्म का सम क्यू दे रखा और क्यू टर्म का सम पी दे रखा, तो हमसे बोला कि उस एपी के पी प्लस क्यू टर्म का सम क्या होगा। जैसे रहता था ना कि 10 टर्म का सम तो एस 10 लिखिएगा, 20 टर्म का सम रहेगा तो एस 20 लिखिएगा, तो उसी प्रकार पी टर्म का सम तो एस पी है, क्यू टर्म का सम तो एस क्यू हो गया, और यहाँ पे पी प्लस क्यू टर्म का सम तो एस पी प्लस क्यू हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आप एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए, तो एस एन वाला में क्या होता है एन बाई टू, जब यहाँ पे एन रहता था तो होता था एन बाई टू, और यहाँ पे है पी तो क्या हो जाएगा पी बाई टू हो जाएगा। अरे बस समझ में, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, जब एस एन में यहाँ पे एन रहता था तो एन बाई टू लिखाता था, लेकिन यहाँ पे एन की जगह क्या पी है तो पी बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ पी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पी है। उसी प्रकार इधर जब लगाइएगा तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन टू, क्योंकि एन की जगह यहाँ पे क्यू है तो क्यू अपॉन टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा पी। इस तरीके से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इसको डिराइव करिए, यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन टू, ये हो जाएगा टू ए प्लस डी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए पी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे, और दो को इधर क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू इंटू क्यू, ये हो जाएगा टू क्यू। तो यहाँ देखिए ऊपर में हो जाएगा टू ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, यहाँ पे दो को इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा टू क्यू, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन वन। आ रहा समझ में, इधर भी आपको वही काम करना है, यहाँ भी पहले अंदर कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन टू, और यहाँ पे टू ए प्लस यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा क्यू डी माइनस डी इक्वल टू पी। अब क्यू को ऊपर सबसे मल्टीप्लाई करिए, ये दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए पी के साथ, तो ऊपर में पहले मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, और यहाँ पे दो को पी से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा टू पी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन दो। पहले आप यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
इसके बाद हम करेंगे इक्वेशन वन माइनस टू, यहां पे करिए इक्वेशन वन माइनस टू। तो इक्वेशन वन माइनस टू करिएगा तो एलएचएस वाला को एलएचएस के साथ माइनस और आरएचएस वाले को आरएचएस के साथ माइनस। तो पहले एलएचएस वाले को करिए, तो यहां पे एलएचएस में है टू ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी। और यहां पे हम जब माइनस कर रहे हैं तो अगला को ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि आगे निगेटिव साइन है। तो यहां पे इसको लिखिए, ये हो जाएगा टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी इक्वल टू। अब आरएचएस को माइनस करिए, तो यहां पे आरएचएस है टू क्यू माइनस, यहां पे आरएचएस है टू पी, तो ये हो जाएगा टू क्यू माइनस टू पी। तो यहां पे देखिएगा ये हो जाएगा टू ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी। और यहां पे ब्रैकेट को ओपन करिए, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करिएगा तो जो साइन है सबका बदलेगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस टू ए क्यू माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस क्यू डी। और यहाँ पे तो वही रहेगा टू क्यू माइनस टू पी इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए सबको अरेंज करिए, जैसे टू ए है ना, ये टू ए वाला टर्म को एक जगह ले आइए, एक यहाँ है एक यहाँ, ये दोनों को एक जगह लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा टू ए पी माइनस टू ए क्यू इस तरीके से, इसको टू ए वाला को एक जगह कर लिए। अब देखिए ये जो स्क्वायर वाला आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे, तो इसको भी एक जगह कर लीजिए। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी, ये आ गया एक जगह, बाकी दो को बच गया, एक ये वाला बच गया है और एक ये वाला बच गया, तो इसको भी एक जगह लिख लीजिए। तो माइनस पी डी और प्लस क्यू डी इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे आप दो कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए दो, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस पी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये दोनों में टू ए कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस क्यू। यहाँ पे डी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे आपको माइनस डी कॉमन लेना होगा क्योंकि पी माइनस क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी पी माइनस क्यू कब आएगा, जब आप माइनस डी कॉमन लीजिएगा तभी ना, ये माइनस पी प्लस पी हो जाएगा और ये प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाएगा। और इस तरह भी आपको पी माइनस क्यू ही चाहिए, तो यहाँ से भी आप माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस टू। और जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस। इतना तो बात आपको आता है समझ में। इसके बाद ये हो जाएगा टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी। और यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस टू इंटू पी माइनस क्यू। इसके बाद देखिए पी माइनस क्यू यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में है ना, तो पी माइनस क्यू को आप कॉमन ले लीजिए, तो हम पी माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बच जाएगा टू ए प्लस, यहाँ पे बचेगा डी इंटू पी प्लस क्यू और माइनस, यहाँ पे सिर्फ बचेगा डी, क्या कि पी माइनस क्यू तो बाहर निकल गया, और इस तरह बचेगा माइनस टू इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट गया, तो यहाँ पे हो गया टू ए प्लस। अब देखिए ये दोनों में, ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में आपको डी कॉमन दिख रहा होगा, तो डी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा पी प्लस क्यू माइनस वन, ऐसा ही होगा ना, पी प्लस क्यू यहाँ पे माइनस वन, क्या डी बाहर निकल गया तो माइनस वन ही बचेगा ना, इक्वल टू माइनस टू इस तरीके से हो जाएगा। इसी को आप अरेंज करके थोड़ा लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस, और यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये जो डी आगे में इंटू था इसको पीछे में लिख दिए हैं, बाकी है तो सेम चीज़ें। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, पहले यहाँ तक आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा हमसे निकालने बोला था पी प्लस क्यू टर्म का सम ना, एस पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे आइए, हमसे बोला था एस पी प्लस क्यू इक्वल टू भाट, यही बोला है। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाइए, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना, पी प्लस क्यू है ना, तो यहाँ पे n की जगह आपको पुट करना होगा p प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा s p प्लस क्यू इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको p प्लस क्यू रखना है, इंटू टू ए प्लस, यहाँ भी आपको रखना है p प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो दिख रहा है आपको टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी,
और यहाँ पे आप इसका वैल्यू निकाले थे इक्वेशन वन में, देखिए तो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी दोनों है सेम चीज, और इसका वैल्यू आप कितना लाए थे, माइनस टू लाए हैं, तो आप इसके जगह पे माइनस टू पुट कर सकते हैं इक्वेशन वन से, तो यहाँ पे हम माइनस टू पुट कर देते हैं और यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इसके बाद देखिए, और यहाँ पे दो से दो ये कट भी जाएगा, तो हो जाएगा माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस पी माइनस क्यू, और आप चाहिए तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, तो यही हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू टर्म का सम, एस पी प्लस क्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस इंटू पी प्लस। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे बोल रहा है इफ एस आर डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एन ए पी देन एस थ्री एन रेशियो एस टू एन माइनस एस एन इज फाइव। यहाँ पे बोला कि जो एस आर है वो एक ए पी के फर्स्ट आर टर्म का सम है, तो यहाँ पे बताइए कि एस थ्री एन और रेशियो एस टू एन माइनस एस एन का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे दे रखा है एस थ्री एन रेशियो एस टू एन माइनस एस एन, तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एस थ्री एन अपॉन रेशियो को आप डिवाइड में लिख सकते हैं एस टू एन माइनस एस एन इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना होगा एस एन वाला, जो कि होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यही फार्मूला आपको यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे एन की जगह कितना है, थ्री एन है, तो जब थ्री एन है तो जहाँ जहाँ एन आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ थ्री एन रखना है, तो ये हो जाएगा थ्री एन बाई टू इंटू टू ए प्लस, फिर यहाँ पे थ्री एन रखिए तो थ्री एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है फार्मूला पुट करने में। इसके बाद यहाँ पे एन की जगह है टू एन, तो यहाँ पे भी आपको एन की जगह रखना होगा टू एन, तो ये हो जाएगा टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी। इसके बाद माइनस है तो माइनस, और इसके बाद यहाँ पे एन है तो एन की जगह एन रखना होगा, तो ये हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से आपको करना है। पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला रखने में, ये फार्मूला पुट करने में। इसके बाद ऊपर में जो है उसको रहने दीजिए थ्री एन बाई टू, और यहाँ पे था टू ए प्लस डी को मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों से, तो हो जाएगा थ्री एन डी माइनस डी, ऐसा ही होगा। और नीचे में आप क्या करिए कि यहाँ पे देखिए एन बाई टू यहाँ भी है और एन बाई टू यहाँ भी है, तो हम एन बाई टू कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो एन बाई टू कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा, ऊपर में तो दो बच जाएगा ना, क्या कि एन बाई टू आप बाहर निकालिएगा तो ये बोले तो दो बच जाएगा, तो यहाँ पे ये दो रह जाएगा और ये हो जाएगा टू ए प्लस, यहाँ भी डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू एन डी माइनस डी, ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ पे देखिए एन बाई टू तो बाहर ही आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा टू ए प्लस, यहाँ भी डी को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो एन डी माइनस डी, इस तरीके से हो जाएगा ए ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिएगा एन बाई टू से एन बाई टू कट जाएगा, तो ऊपर में हो गया थ्री इंटू टू ए प्लस थ्री एन डी माइनस डी, और नीचे में देखिएगा नीचे में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो ये हो जाएगा फोर ए प्लस फोर एन डी माइनस टू डी, और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करिए, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेगा तो सबका साइन बदल जाएगा क्योंकि आगे निगेटिव साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए माइनस एन डी और प्लस डी, इस तरीके से हो जाएगा। तो ऊपर में हो गया थ्री इंटू टू ए प्लस थ्री एन डी माइनस डी, और नीचे में देखिएगा नीचे में देखिए फोर ए माइनस टू ए, यहाँ में ए वाला को एक साथ कैलकुलेट करना है, तो फोर ए माइनस टू ए कितना हो जाएगा टू ए, इसके बाद एन डी वाला देखिए फोर एन डी और माइनस एन डी, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री एन डी, और एक यहाँ पे बच गया माइनस टू डी और प्लस डी, इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा माइनस डी, इस तरीके से। अब देखिए तो टू ए प्लस थ्री एन डी माइनस डी, और नीचे भी टू ए प्लस थ्री एन डी माइनस डी, क्या ये कट जाएगा क्योंकि इनटू में है ये इसके साथ, तो ऊपर में बच गया थ्री और नीचे में कुछ नहीं तो वन बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे हो रहा है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो थ्री एन प्लस फाइव अपॉन फाइव एन प्लस सेवन देन देयर एंथ टर्म आर इन द रेशियो।
करा कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके एंथ टर्म का रेशियो ये दे रखा, तो बोला कि इसके ये सम का रेशियो दे रखा, उसके एंथ टर्म के सम का रेशियो दे रखा, तो हमसे बोला कि एंथ टर्म का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बात किया, तो यहाँ पे आप लेट करिए, लेट द फर्स्ट एपी, हम फर्स्ट एपी को मान लेते हैं ए वन के टर्म में, तो ये हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे लेट करिए सेकेंड एपी को, एंड सेकेंड एपी इज, इसको आप लेट कर लीजिए बी वन के टर्म में, तो ये हो जाएगा बी वन बी टू बी थ्री, इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो एक एपी को हम मान लिए ए के टर्म में और एक एपी को मान लिए बी के टर्म में, तो ये हो गया ए वन ए टू ए थ्री, और ये हो गया बी वन बी टू बी थ्री। और यहाँ पे बोला था कि दोनों एपी के जो एन टर्म के जो सम का रेशियो है वो दे रखा है ये वाला, थ्री एन प्लस फाइव अपॉन फाइव एन प्लस सेवन। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे दे रखा है एस एन अपॉन एस एन। देखिए इस एपी के एन टर्म का रेशियो, तो एस ये एन टर्म का सम एस एन हो जाएगा, और इस एपी का भी एन टर्म का सम एस एन ही होगा, तो एस एन अपॉन एस एन। ये वैल्यू दे रखा है थ्री एन प्लस फाइव अपॉन फाइव एन प्लस सेवन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे बोला देन देयर एंथ टर्म आर इन द रेशियो, तो इसके एंथ टर्म, एंथ टर्म का मतलब ए एन, तो इसका एंथ टर्म हो जाएगा ए एन, और इसका एंथ टर्म हो जाएगा बी एन। तो हमसे बोला ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू भार्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एंथ टर्म का मतलब एनवा टर्म, तो इस ए पी का एंथ टर्म ए एन हो जाएगा, ये बी के टर्म में है तो इस ए पी का एंथ टर्म बी एन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस ना। देखिए फर्स्ट टर्म ए है तो यहाँ पे ए आएगा, और इसका फर्स्ट टर्म क्या बी है ना, बी या बी वन, तो यहाँ पे बी आएगा, तो बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इक्वल टू हो जाएगा भाट, यही आपको निकालना है। तो देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है, जैसे एस एन का वैल्यू दे रखा है, ये एस एन के सम का रेशियो दे रखा है, तो इसी से आपको चलना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए एस एन वाला, ये हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और नीचे भी तो एस एन ही है, तो नीचे भी तो एस एन वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा, वहीं एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से। इधर जो दे रखा उसको लिखिए, तो थ्री एन प्लस फाइव अपॉन फाइव एन प्लस सेवन। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कहीं पे कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए एन बाई टू से एन बाई टू कट जाएगा, और ऊपर में ऊपर से आप दो कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ऊपर से आप दो कॉमन ले लीजिए, नहीं तो पहले जो बच गया उसको लिखिए, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और नीचे में हो जाएगा टू ए प्लस, यहाँ पे देखिए एक चीज़ गलत हो गया है, ये ए नहीं ना होगा, ये बी होगा ना, क्योंकि नीचे ये जो सेकेंड ए पी है ना, और सेकेंड ए पी का फर्स्ट टर्म क्या बी है, तो यहाँ पे बी लिखाएगा ना, और यहाँ पे बी होगा टू बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इक्वल टू हो जाएगा थ्री एन प्लस फाइव अपॉन फाइव एन प्लस सेवन। अब देखिए जो चीज़ आपको लाना है ना उसको देखते हुए आपको चलना है। तो यहाँ आपको लाना है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी इसमें b प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे एक चीज़ और आप सुधारिए, जैसे यहाँ पे देखिए n टर्म का रेशियो बोला था ना हमसे, तो इसको आप कैपिटल n मान लीजिए, ठीक है, इसको आप कैपिटल n मानिए, क्योंकि यहाँ भी स्मॉल n और यहाँ भी स्मॉल n, तो दोनों स्मॉल n और स्मॉल n, पता नहीं चलेगा कि कौन n किसका वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कैपिटल कर लीजिए, इस तरीके से कैपिटल एन हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए हमको लाना है ए प्लस ना, और यहाँ पे है टू ए प्लस, और यहाँ भी नीचे में बी प्लस, और यहाँ भी है टू बी प्लस, तो पहले तो इसको ए करना होगा, तो ए कब होगा, जब यहाँ से अब दो कॉमन लीजिएगा, अब नीचे भी बी कब होगा, जब नीचे से भी दो कॉमन लीजिएगा, तो ऊपर है नीचे दोनों जगह से दो कॉमन लीजिए, तो जब दो कॉमन लीजिएगा ऊपर से, तो यहाँ पर बचेगा ए, और यहाँ पर कितना बचेगा इस जगह, तो यहाँ पर बचेगा एन माइनस वन अपॉन टू इंटू टी, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए आपको शायद ये चीज़ समझ नहीं आया होगा, तो यहाँ पे समझिए, जैसे हम आपसे पूछते हैं कि 5 प्लस 10 है, ठीक है, और हम बोलेंगे कि इससे 5 कॉमन लीजिए, तो आप 5 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, ये तो आपको आ गया समझ में, लेकिन इसी को हम लिख देंगे 5 प्लस 2 12, और अब हम आपसे बोलेंगे कि 5 कॉमन लीजिए, तो अब तो आप बोलिएगा कि 5 इसमें है कहाँ, 5 तो कॉमन होगा ही नहीं, लेकिन नहीं 5 कॉमन होगा, जैसे आप 5 कॉमन लीजिएगा
तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 12/5। अरे बात समझ में, जो भी नंबर आप कॉमन लेते हैं उससे उस नंबर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में ये था 5+10, जब आप 5 कॉमन लिए थे तो 5 में 5 से डिवाइड करिए, एक बार में कटेगा तो 1 यहाँ पे आ गया। फिर 5 से 10 में डिवाइड करिए, दो बार में कटेगा तो यहाँ पे 2 आ गया। जैसे भी वही चीज़ हुआ, 5+12 था तो यहाँ पे 5 कॉमन लिए तो 5 से 5 में डिवाइड करिए तो एक बार में कटेगा, और 5 से 12 में डिवाइड करिए तो ये नहीं ना कटेगा पूरा पूरी, तो ये आ जाएगा 12/5। तो ये होता है, इस तरीके से कॉमन होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ, जब 2a में 2 से डिवाइड होगा तो 2 तो कट ही जाएगा तो यहाँ पे a बचेगा, और जब इसमें आप 2 से डिवाइड करेगा तो ये थोड़े कटेगा तो ये /2 आ गया नीचे में। तो नीचे भी वही काम करिए, 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा b+(n-1)/2(d)। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर जो है उसको रहने दीजिए, 3n+5/5n+7 इस तरीके से। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब आपको लाना क्या, जो देखिए आपको लाना है a+(n-1)/d और यहाँ पे है a+(n-1)/2(d) और नीचे में b+(n-1)/d और यहाँ पे है b+(n-1)/2(d)। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों में जैसे a प्लस यहाँ भी है और a प्लस यहाँ भी है, और (d) यहाँ भी है, (d) यहाँ भी है, नीचे में भी b+ यहाँ भी है और यहाँ भी है, (d) यहाँ पे भी, (d) यहाँ, एक ही चीज़ आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे कैपिटल n-1 है और यहाँ पे n-1/2 है। तो अगर ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है n-1/2, अगर इसके जगह हम n-1 पुट कर दें, ध्यान से सुनिएगा, n-1/2 के जगह हम इस n-1 को पुट कर दें तो क्या फिर नहीं आ जाएगा ये वाला टर्म जो आपको लाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि n-1/2 को रिप्लेस करना होगा n-1 से, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करिए, तो यहाँ पे इसको लिखिए हियर n-1/2 इज रिप्लेस्ड बाई कैपिटल n-1। अरे बस समझ में, जैसे इसको आप जैसे ही कैपिटल n-1 से रिप्लेस करेगा तो यही वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, a+(n-1)(d) नहीं आ जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे n-1/2 को रिप्लेस करना होगा n-1 से। क्यों रिप्लेस किए, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है तो इसको देखते हुए ना सोल्व करना आपको, तो यहाँ पे रिप्लेस करिए। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर से रिप्लेस करें तो क्या दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1/2 = n-1। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इक्वल कैसे हो गया तो आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 8 और इस 8 को आप दूसरे नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इस 8 को आप दूसरे नंबर से रिप्लेस तभी कर पाइएगा जब वो दूसरा नंबर इस 8 के इक्वल होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 16/2। क्या दोनों आपस में इक्वल नहीं है, भले आपको देखने में दोनों डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन दोनों इनडायरेक्टली आपस में इक्वल ही हैं। तो आप 8 को 16/2 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। जैसे रहेगा 9 और यहाँ पे लिख देगा यहाँ पे 6 या फिर इसको लिख देगा 3/3, तो आप इस 9 को 3/3 से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो आपको हमेशा यह रखना है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से रिप्लेस होता है तो वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तभी तो रिप्लेस हो पाएगा, ऐसे कैसे हो पाएगा। तो यहाँ भी वही चीज, ये n-1/2 n-1 से रिप्लेस हो गया, भले आपको दोनों में देखने में इक्वल ना लग रहा हो लेकिन इनडायरेक्टली दोनों आपस में क्या इक्वल है। जैसे यहाँ पे एक था 8 और एक है 16/2, तो भले दोनों देखने में इक्वल ना लग रहा हो लेकिन है दोनों इक्वल ही। तो यहाँ पे भी दोनों आपस में इक्वल हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से इस स्मॉल n का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 = क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2n-2 हो जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल n = कितना हो जाएगा 2n, और ये -1 इधर आएगा तो +1, तो -2 + 1 कितना -1, तो स्मॉल n का वैल्यू आ गया 2n-1। अब यहाँ पे देखिए पुट करिए, स्मॉल n की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिएगा और n-1/2 की जगह ये वाला पुट कर दीजिएगा, तो पुट करिए तो ये हो जाएगा a+ और n-1/2 की जगह ये वाला पुट करना है आपको, तो ये हो जाएगा n-1(d) और नीचे भी वही चीज करना है b+(n-1)(d). यहाँ भी रिप्लेस करिएगा ना n-1/2 को n-1 से, तो वही किए हैं उसके जगह n-1 पुट कर दिए हैं = यहाँ पे हो जाएगा 3 और स्मॉल n है ना, और स्मॉल n का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लें तो इसको रख दीजिए, तो हो जाएगा 2n-1 और +5।
इस तरफ हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे भी रख दीजिए 2n-1, और यहाँ पे कितना है, +7 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा +7, तो ये हो जाएगा an/bn। ये समझ आ रहा है ना an/bn कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे आप देखिए ना an/bn को ही लिखे थे ना इस तरह से, तो वही किए हैं उसको इस फॉर्म में लिख दें, और यहाँ पे आपको कैपिटल एन लिखना है, स्मॉल एन लिखा गया है, तो ये हो जाएगा an/bn = यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3×6n-3 और +5, और नीचे में आ जाएगा 10n-5 +7, तो यहाँ पे हो जाएगा 6n और 5-3 2 आएगा, और नीचे में हो जाएगा 10n और प्लस, यहाँ पे भी +2 आ जाएगा, तो दो ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 3n और +1, और यहाँ पे भी दो कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5n+1, ये दो से दो कट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3n+1/5n+1। अब यहाँ पे देखना होगा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे बोल रहा है इफ Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d सच दैट Sx/Skx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x देन। यहाँ पे बोला कि जो Sn है वो ए पी के n टर्म का सम है, और उस ए पी का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, और इस तरीके से है कि Sx/Skx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी कहने का मतलब जब इसको आप सोल्व करिएगा ना तो इसमें x नहीं आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये x से स्वतंत्र है, मतलब आप इसको जब सोल्व करिएगा तो उसमें x नहीं आना चाहिए, देन तब d का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना हम, तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे ये दे रखा है Sx/Skx यह दे रखा, तो आप Sn वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, तो Sn में क्या होता है n/2 2a+n-1 d, तो n की जगह यहाँ पे x है तो आपको x पुट करना है, तो हो जाएगा x/2 2a+x-1 हो जाएगा, n-1 होता है तो n की जगह x है तो x-1 d, और नीचे भी वही चीज़ करिए, यहाँ पे हो जाएगा kx/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a+n की जगह kx तो kx-1 d। तो इसके बाद देखिएगा x/2 से x/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा इधर हो जाएगा Sx/Skx, और यहाँ पे देखिएगा ऊपर में बच जाएगा 2a+, यहाँ पे d से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा xd-d, और नीचे में देखिए नीचे में यहाँ पे है k×, और यहाँ पे भी आप क्या करिए ना d से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a+, ये हो जाएगा kxd-d, इस तरीके से हो जाएगा, और इसके बाद हमसे बोला था कि d का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए d का वैल्यू a, 2a या 2d या -a क्या होगा d का वैल्यू, ताकि ये जो टर्म है Sx/Skx ये x से स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे अभी हम इसको सोल्व किए हैं तो इसमें x आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ऊपर में भी x है और नीचे में भी x है, तो यहीं हमसे पूछा है कि d का वैल्यू क्या पुट करिएगा ताकि ये जो x है वो ख़त्म हो जाए, एक्सिस में ना रहे, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद, तो यहाँ से सोल्व करने का दो तरीका है, या तो आप ऑप्शन से लेकर चेक कर लीजिए वैल्यू d का, या फिर विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको हम दोनों तरीका बताएंगे, यहाँ से देखिएगा पहले हम ऑप्शन से चेक करते हैं उसके बाद विदाउट ऑप्शन भी आपको कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या है d का वैल्यू a है, तो यहाँ पे कर लीजिए, तो हो जाएगा Sx/Skx = d की जगह आपको a पुट कर देना है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पे जब a पुट करिएगा तो ये हो जाएगा Ax-a, और नीचे में देखिए ये हो जाएगा k×2a+, यहाँ भी d की जगह a पुट करिएगा तो ये हो जाएगा Akx और -a, इस तरीके से होगा। इसके बाद देखिए तो ऊपर में हो जाएगा 2a-a कितना a होगा a+ax, और नीचे में देखिएगा नीचे में हो जाएगा k×2a-a कितना होगा a होगा ना, तो a प्लस, और यहाँ पे तो akx है तो akx ही रहेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको। इसके बाद ऊपर से a कॉमन ले लीजिए तो 1+x बचेगा,
और नीचे से भी कॉमन लीजिए, नीचे में भी आपको ए कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए के और इनटू, यहाँ पे बचेगा वन और यहाँ पे बचेगा के एक्स, इस तरीके से बचेगा और ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ गया ए सिक्स अपॉन एस के एक्स का वन प्लस एक्स अपॉन के इंटू वन प्लस के एक्स। अब देखिए डी का वैल्यू ए पुट करने के बाद भी इसका जो वैल्यू आया वो एक्स के टर्म में ही आया, एक्स से ये इंडिपेंडेंट कैसे आया, नहीं ना आया, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, क्या कि ए पुट करने के बाद भी इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आया वो एक्स के टर्म में ही आ रहा है, जबकि बोला एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स से इंडिपेंडेंट तो है नहीं, इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब आपको चेक करना ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या था, ऑप्शन बी में था डी इक्वल टू टू ए, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम रख रहे हैं डी इक्वल टू टू ए, तो हो जाएगा एस एक्स अपॉन एस के एक्स। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे डी इक्वल टू टू ए आपको रखना है, तो यहाँ पे टू ए रखिए, तो पहले से था टू ए प्लस, यहाँ पे देखिएगा जब टू ए रखिएगा तो टू ए एक्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा टू ए एक्स और माइनस डी है तो यहाँ पे भी माइनस टू ए हो जाएगा, और नीचे में देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा के है तो के होगा, यहाँ पे हो जाएगा के इंटू, और यहाँ पे देखिए टू ए है तो पहले टू ए तो लिख दीजिए टू ए प्लस, और एक डी की जगह टू ए रखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए जब डी की जगह टू ए आप रखिएगा तो टू ए के एक्स हो जाएगा, ये टू ए के एक्स, क्या के एक्स तो पहले से ही था टू ए पुट किए तो टू ए के एक्स हो गया, और माइनस इसके बाद भी क्या है डी है, तो यहाँ भी डी की जगह आप रखिए टू ए, इस तरीके से हो जाएगा। पहले आप वैल्यू ध्यान से पुट कर लीजिएगा तो इसी तरीके से होगा। अब देखिए टू ए से टू ए कट जाएगा, नीचे भी टू ए से टू ए कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा ऊपर में टू ए एक्स और नीचे में आ जाएगा के इन टू, अंदर में तो यही बचेगा ना टू ए के एक्स, इस तरीके से। अब देखिए टू ए एक्स से टू ए एक्स कटेगा तो ऊपर में बच गया वन और नीचे में के इन टू के, के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो सोल्व करने पे जो वैल्यू आया एस एक्स अपॉन एस के एक्स का, ये कितना आया वन अपॉन के स्क्वायर, इसमें एक्स है कहीं पे ना, तो ऊपर ना छो नीचे, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो एक्स से इंडिपेंडेंट है, यानी डी का वैल्यू टू ए ही लेना होगा, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हुआ पहला तरीका जो कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं इतना सोल्व करने के बाद, और दूसरा तरीका है विदाउट ऑप्शन भी, तो यहाँ से देख लेते हैं सेकेंड मेथड, आपको जो सही लगे वही करिए, हम दोनों यहाँ पे बताते रहें, इतना तो आपको करना ही होगा, इसके बाद सेकेंड मेथड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए सिक्स अपॉन एस के एक्स, यहाँ पे आप देखिए जो एक्स है वो वेरिएबल हो जाएगा और विदाउट एक्स वाला कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स वाला वेरिएबल हो जाएगा, तो इसको एक जगह रखिएगा और कांस्टेंट वाला को एक जगह रखिए, यहाँ पे टू ए और डी ये कांस्टेंट में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको ऐसे रखिए टू ए माइनस डी, कांस्टेंट वाला को एक जगह कर लिए हैं और वेरिएबल एक्स डी है, तो इसको एक जगह कर लीजिए। नीचे भी आपको वही काम करना है, ये हो जाएगा के इन टू, यहाँ भी कांस्टेंट टू ए और डी है, तो इसको एक जगह कर लीजिए, तो टू ए माइनस डी और प्लस के एक्स डी है, तो इस तरीके से। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है ना कि ये जो कांस्टेंट वाला जो टर्म दिख रहा है टू ए माइनस डी, तो टू ए माइनस डी इक्वल टू जीरो पुट करना है ना, वो टू ए माइनस डी इक्वल टू जीरो, ये वाला कांस्टेंट वाला टर्म को जीरो के इक्वल कर लेना है, तो यहाँ से डी को उधर भेजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टू ए इक्वल टू डी, तो डी का वैल्यू आ जाएगा टू ए, जबकि आया भी था डी का वैल्यू टू ए ही, तो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए ये सेम क्वेश्चन आपका 45 जैसा, तो यदि आप 45 को ठीक से समझ चुके हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू ए पी आर इन द रेशियो 5n प्लस 9 रेशियो 7n, ये 9n प्लस 6, ये दो ए पी है और उसके एन टर्म के सम का रेशियो दे रखा है 5n प्लस 9 और रेशियो 9n प्लस 6, देन द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म इज, तो उसी दोनों ए पी के 18th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट ए पी, लेट द फर्स्ट ए पी इज, इसको मान लीजिए ए के टर्म में, तो ए वन ए टू ए थ्री, इस तरीके से ये हो जाएगा, एंड द सेकेंड ए पी
इसको आप मान लीजिए बी के टर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा बी वन बी टू बी थ्री, इस तरीके से ये होगा, डॉट डॉट कर दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट एपी को हम ए के टर्म में मान लिए, सेकेंड एपी को बी के टर्म में मान लिए, और दोनों एपी के एन टर्म के सम का रेशियो दे रखा है ये वाला, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। अच्छा बताइए इस एपी के एन टर्म के सम क्या हो जाएगा, एस एन होगा, और इस एपी के भी एन टर्म का सम क्या होगा, एस एन ही होगा, तो यहाँ पे एस एन अपॉन एस एन, और ये दे रखा है फाइव एन प्लस नाइन अपॉन नाइन एन प्लस सिक्स, यही दे रखा है। तो हमसे बोला कि देन द रेशियो ऑफ देयर एटीनथ टर्म, उसके एटीनथ टर्म का रेशियो क्या होगा, डेट मीन्स ए एटीन अपॉन बी एटीन इक्वल टू हार्ट। देखिए इस एपी के एटीन टर्म को क्या लिखेगा, ए एटीन लिखेगा, अठारहवां टर्म को ए एटीन ही बोलिएगा ना, और इस एपी के अठारहवां टर्म को क्या बोलेगा, जैसे पहला टर्म है बी वन, दूसरा है बी टू, तीसरा बी थ्री, उस प्रकार अठारहवां होगा बी अठारह, इस तरीके से, और दोनों का रेशियो हमसे पूछा। तो यहाँ पे जो दे रखा उसी से आपको पहले चलना है, यहाँ पे एस एन का वैल्यू दे रखा, तो यहाँ पे फार्मूला यूज करिए, ये हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी, और नीचे भी करिए तो यहाँ पे हो जाएगा एन बाई टू इन टू टू, यहाँ पे ए नहीं होगा बी होगा, बी क्यों होगा, क्योंकि ये सेकेंड एपी है ना, नीचे वाला जो एस एन है वो सेकेंड एपी का, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या बी है, तो यहाँ पे बी आएगा, तो टू बी प्लस एन माइनस वन इन टू टी, और ये दे रखा है फाइव एन प्लस नाइन, और इधर हो जाएगा नाइन एन प्लस सिक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा एन वाई टू से एन वाई टू कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और यहाँ पे बच गया टू बी प्लस एन माइनस वन इन टू डी, इस तरफ हो जाएगा फाइव एन प्लस नाइन अपॉन नाइन एन प्लस सिक्स। इसके बाद देखिएगा आपको लाना है ए एटीन अपॉन बी एटीन इक्वल टू हार्ट। अच्छा इसको थोड़ा सा डिराइव करिए, एक स्टेप, ए एटीन को क्या लिखिएगा, ए प्लस सेवनटीन डी, एक कम करके लिखते हैं, और बी एटीन को क्या लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा बी प्लस सेवनटीन डी, ऐसे ही लिखिएगा ना, ए एटीन को ए प्लस सेवनटीन डी, और बी एटीन को बी प्लस सेवनटीन डी, क्या कि फर्स्ट टर्म इसका बी है तो बी प्लस होगा, इसका फर्स्ट टर्म ए है तो ए प्लस होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आपको लाना है ए प्लस और नीचे में बी प्लस, जबकि यहाँ पे है टू ए प्लस और टू बी प्लस, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर से भी दो कॉमन ले लेना है, नीचे से भी दो कॉमन ले लेना है, तो कॉमन लीजिए, तो ऊपर से जब दो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट डालिए, तो यहाँ पे बचेगा ए, और इधर क्या बचेगा, ये वहाँ पे भी आपको हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 45 में भी, यहाँ पे बचेगा एन माइनस वन अपॉन टू इन टू डी, और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे 5 प्लस 10 रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि 5 कॉमन लेना है यहाँ से, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, लेकिन इसी नंबर को लिख देगा 5 प्लस 13, अब बोलेगा कि यहाँ से 5 कॉमन लेना है, तो आप क्या करिएगा, आप तो बोलिएगा सीधे कि 5 कॉमन होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, 5 कॉमन होगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13 अपॉन 5। जैसे देखिए कॉमन का मतलब होता है ना कि आप जो भी टर्म कॉमन ले रहे हैं उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे ये दोनों से आप 5 कॉमन ले रहे हैं तो 5 से दोनों में डिवाइड करिए, तो 5 से 5 में डिवाइड करेगा तो एक बार में कट जाएगा, और 5 से 10 में डिवाइड करेगा तो ये दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ भी वही काम हो रहा है, 5 हम कॉमन लिए तो 5 से 5 में डिवाइड किए तो एक बार में कटेगा, और 5 से 13 में डिवाइड करेगा तो ये नहीं ना डिवाइड होगा पूरा पूरी, तो ये 13/5 हो गया, यही लिखा गया। तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ है, हम ऊपर से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे सब 2a, तो 2 से 2 में डिवाइड करेगा तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया a, और इधर था n माइनस वन इन टू डी, तो इसमें जब 2 से डिवाइड करेगा तो ये कटेगा थोड़े, तो ये ऐसे ही लिखा गया बटा 2। नीचे भी वही काम करिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा b प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इन टू डी, इतना तो बात क्लियर हो गया होगा। इधर जो है उसको लिख दीजिए, तो फाइव एन प्लस नाइन और अपॉन नाइन एन प्लस सिक्स, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए आपको क्या लाना है, आपको लाना था a प्लस सेवनटीन डी, और यहाँ पे है a प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इन टू डी, और नीचे में भी लाना है b प्लस सेवनटीन डी, और यहाँ पे है b प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इन टू डी। आप अगर दोनों को ध्यानपूर्वक देखिए, इसको और इसको, ऊपर नीचे किसी को भी, तो आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, जैसे a प्लस यहाँ भी है और a प्लस यहाँ भी है, इन टू डी यहाँ भी है और इन टू डी यहाँ भी है,
नीचे में भी बी प्लस और यहाँ भी बी प्लस, यहाँ भी इंटू डी और यहाँ भी इंटू डी, लेकिन एक टर्म आपको डिफरेंट दिखेगा सिर्फ ये वाला एन माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पे ऊपर नीचे एन माइनस वन अपॉन टू है और यहाँ पे ऊपर नीचे क्या है सेवनटीन है, तो अगर एन माइनस वन अपॉन टू की जगह सेवनटीन रहेगा तो क्या इसका वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि जो एन माइनस वन अपॉन टू है इसको सेवनटीन से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे इसको रिप्लेस करिए, हियर एन माइनस वन अपॉन टू इज रिप्लेस्ड बाई सेवनटीन। एन माइनस वन अपॉन टू को सेवनटीन से रिप्लेस करना है। रिप्लेस हम क्यों करें, क्योंकि इसको ये जो पूरा पैटर्न है उसको हमको इस पैटर्न में लाना है, तो यहाँ पे 17 पुट करिएगा इसके जगह पे तभी ना ये इस पैटर्न में आएगा, इसी वजह से इसको हम रिप्लेस करें। अब जैसे ही आप एक नंबर को दूसरे नंबर से रिप्लेस करते हैं तो ये दोनों नंबर आपस में क्या होता है इक्वल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस वन अपॉन टू इक्वल 17। अब यदि आपको ये चीज़ नहीं पता चला कि इक्वल कैसे हो गया तो इसको भी यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे आपके पास एक नंबर है 8 और इसको दूसरे नंबर से रिप्लेस करना है, तो देखिए आप एक नंबर को दूसरे नंबर से रिप्लेस तभी कर सकते हैं, जैसे 8 को आप दूसरे नंबर से रिप्लेस तभी कर सकते हैं जब वो दूसरे नंबर 8 के इक्वल हो। जैसे यहाँ पे 8 है और 8 को हम 16/2, तो 16/2 से रिप्लेस कर सकते हैं, काहे कि 8 और 16/2 दोनों क्या है आपस में इक्वल है। भले ये देखने में इक्वल ना लग रहा होगा, एक 8 है और एक 16/2 दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों में आपस में क्या है इक्वल ही है। तभी ना अगर इक्वल नहीं रह पाएगा तो फिर कैसे रिप्लेस हो पाएगा ये नंबर दूसरे नंबर से। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से रिप्लेस होगा तो ये दोनों नंबर इक्वल रहेगा तभी रिप्लेस होगा, अदरवाइज रिप्लेस होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे लिख देगा 15 और इधर लिख देगा 5×3, तो बिल्कुल आप 15 को 5×3 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली दोनों आपस में इक्वल है, भले आपको देखे में इक्वल ना लगे लेकिन इनडायरेक्टली दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर दो नंबर आपस में इक्वल रहेगा तभी वो नंबर आप मतलब रिप्लेस हो पाता है। तो यहाँ पे भी जब ये दोनों नंबर, ये नंबर इससे रिप्लेस हुआ तो ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा, तभी ना 17 इसको रिप्लेस कर पाया। तो यहाँ पे भले आपको यहाँ पे ये दोनों इक्वल देखने में ना लग रहा लेकिन इनडायरेक्टली आपस में इक्वल रहता है, तो यहाँ पे इक्वल हो गया। तो यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एन माइनस वन इक्वल टू 34 हो जाएगा, माइनस वन को इधर भेजिए तो एन का वैल्यू आ जाएगा 35। देखिए अब आपको क्या करना है कि ये जो एन माइनस वन अपॉन टू है इसके जगह आपको 17 पुट कर देना है यहाँ पे, और ये जो एन है इसका वैल्यू आप अभी निकाल के लाए 35, तो इस एन के जगह 35 पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा ए प्लस और एन माइनस वन अपॉन टू इसके जगह पुट करिए आप 17, काहे कि 17 से रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17d। नीचे भी वही चीज़ होगा, ये हो जाएगा बी प्लस 17d। यहाँ भी तो आपको रिप्लेस करना है ना, यहाँ भी तो एन माइनस वन अपॉन टू है तो इसको भी 17 से रिप्लेस करना है, तो ये हो गया बी प्लस 17d इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 और एन का वैल्यू कितना लाए 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस 9 और इस तरफ हो जाएगा 9×, यहाँ भी 35 पुट करिए तो 35 प्लस 6, यहाँ पे प्लस 6 है तो प्लस 6 आएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, अब ए 17 को आप लिख सकते हैं ना ए 18 और बी प्लस 17d को आप लिख सकते हैं बी 18, काहे कि इसी को ना ऐसे लिखे थे। जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे ए प्लस 17d को ए 18 लिख सकते हैं ना, ए 18 को ही आप लिखे थे ना ए प्लस 17d, और बी प्लस 17d को आप बी 18 लिख सकते हैं क्योंकि इसी को आप ऐसे लिखे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कन्वर्स करके। तो यहाँ पर देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, तो 35×5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 175 और प्लस 9 हो जाएगा, और नीचे में 35×9 करिए तो ये आ जाएगा 315 प्लस 6 ऐड करिए इसको तो ऊपर में आ जाएगा 184 और नीचे में आ जाएगा 321, तो यही आपका आंसर आ जाएगा A18/B18 का। यहाँ से आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 184/321 ऑप्शन ए हो जाएगा।